बाद कोई इलाज करा के आता है तो परहेज तो बहुत चीजों से करना होता है। लाइफ लॉन्ग लालू जी को दवा चल रहा है। आप बैडमिंटन जो खेले हैं वो तो मतलब प्रॉपर वैसे थोड़ी ना खेले, वो तो एक आध मार करके देखे और मतलब क्या मतलब ये कोई गलत काम है क्या, कोई परहेज है क्या? खाना उठना बैठना मिलना जुलना मीटिंग क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, लालू प्रसाद यादव के बैडमिंटन खेलने पर जिस तरीके से बीजेपी लगातार सवाल खड़े करते दिखाई दे रही है, वहीं सीबीआई ने भी इस बातों को कहा है कि लालू प्रसाद यादव फिट हो चुके हैं और लालू प्रसाद यादव बैडमिंटन खेलते हुए भी देखे गए हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने जवाब देते हुए कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने केवल एक दो बार ही मारा है, यानी कि बैडमिंटन खेलते हुए एक दो बार ही अपने हाथों को हिलाया है। साथ ही साथ और क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर के, सबसे पहले आप वो सुनिए। आप एक बात समझ जाइए, ये सारा कोर्ट का मामला, नीचे करिए थोड़ा सा कुंदन भैया, और कोर्ट का मामला है कुंदन भैया, थोड़ा सा जवाब देते हैं। और जहां तक खेलने की बात, कोई इलाज करा के आता है तो परहेज तो बहुत चीजों से करना होता है। लाइफ लॉन्ग लालू जी को दवा चल रहा है, और सुन तो लो ना भाई, लाइफ लॉन्ग चल रहा है। अब बैडमिंटन जो खेले हैं वो तो मतलब प्रॉपर वैसे थोड़ी ना खेले, वो तो एक आध मार करके देखे और मतलब क्या, कोई भी आदमी डॉक्टर भी आता है तो मतलब यही सजेस्ट करता है ना कि भाई आपको परहेज रखना है, हर महीने आपका जांच होना है। ऐसा थोड़ी ना कि बीमार व्यक्ति जितने हैं सबको अस्पताल में ही डाल दीजिएगा, और बीमार व्यक्ति जो है वो कुछ कर ही नहीं सकता। मतलब ये कोई गलत काम है क्या, कोई परहेज है क्या? खाना उठना बैठना मिलना जुलना मीटिंग क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? तो आपने सुना तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव स्पष्ट रूप से कहते दिखाई दे रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत ख़राब है। हर कोई जानता है, देश की जनता जानती है कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत ख़राब है, डॉक्टर के देखरेख में है लालू प्रसाद यादव। जहां तक बैडमिंटन खेलने की बात है तो लालू प्रसाद यादव ने केवल एक दो बार ही बैडमिंटन को मारते हुए वो देखे गए हैं, यानी एक दो बार ही उन्होंने अपने हाथों को हिलाया है। ऐसे में इसे मुद्दा बनाकर बीजेपी जो है वो उछालना चाह रही है। वहीं दूसरे तरफ तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी की अगर तबीयत ख़राब हो इसका यह कतई मतलब नहीं है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाए। उन तमाम लोगों का जिनका तबीयत ख़राब है, क्या उन सभी लोगों को एडमिट करा दिया जाएगा? वर्तमान में भी तेजस्वी यादव ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव दवा पर ही चल रहे हैं, यानी कि दवा उन्हें दिया जा रहा है, डॉक्टरों की देख रेख में हैं। और यह भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को लेकर के जो कुछ बातें कही जा रही है वो बेबुनियाद है, और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की तबीयत नासाज है, तेजस्वी यादव ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जिस तरीके से सीबीआई ने भी अपने बातों को रखते हुए ये बातें कही हैं कि लालू प्रसाद यादव अब फिट हो चुके हैं, बैडमिंटन खेलते हुए देखे गए हैं, और वीडियो भी लालू प्रसाद यादव का बैडमिंटन खेलते हुए सामने निकल कर आया है, जिसको लेकर के ये तमाम प्रश्न जो है वो खड़े हो रहे थे। मगर तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जिनका तबीयत ख़राब होता है तो क्या उन तमाम लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।